आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद कॉलेजेस हैं, उसके बाद बेताशा अदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उनसे आगाही हासिल करना, और उसके बाद यह है कि वो क्या खिदमात कर रहे हैं, और उसके बाद यह है कि उनसे हम कोलैबोरेशन करें और कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकें और उनसे से साथ मिल के हम चलें। तो यहाँ पे जो आज जो हमने पिछले दो दिन से जो नुमाइश चल रही है उसमें देखा है कि उस लिहाज से काफ़ी जो मकसद जो है वो पूरा हुआ है, और बावजूद के मतलब के मुल्क के जो हालात हैं उसमें ये है कि ये इलम की शमा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ रही है, और ये है कि एक जिसे आई कैन से दिस इज़ साइलेंट रेवोल्यूशन के फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग यू नो थ्रू दिस एक्सपो। और इंशाल्लाह ये है कि अगर इसी तरह के इवेंट्स जो है लाहौर में होते रहे या पाकिस्तान में होते रहें तो डेफिनेटली ये है कि फ्यूचर में मतलब है कि पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ये सिग्मा स्कूल सिस्टम है, और वो हमारा सिग्मा स्कूल सिस्टम जो है वो हमारे हमने ये बेसिकली दिस इज़ नॉट माई बिजनेस, दिस इज़ माई पैशन, और मैंने इस पैशन के लिए ये सिग्मा स्कूल सिस्टम का आगाज़ किया। तो इसमें हमारे तीन इस वक्त हैं कैंपसेस, एक DHA में है, एक यहाँ गुलबर्ग में है, और एक लाइकली टू हैव इन फैसल टाउन। तो मेरा जो है ये सिग्मा स्कूल सिस्टम में जो चीज़ हमने शुरू की है वो बुनियादी तौर पे इस चीज़ से इंस्पायर होकर की है कि बुनियादी तौर पे मैं अपनी नेशन को चाहता हूँ कि मैं लीडर दे सकूँ, क्योंकि देयर इज़ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इन पाकिस्तान, और फुकदान होने की वजह से पाकिस्तान इस जगह पे आ गया है कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होने का इम्कान है। तो हमने ये किया कि हमने वहाँ पे डे केयर शुरू किया, और उसके साथ टॉडलर्स से लेकर ग्रेड 3 तक, यानी टॉडलर्स के बाद प्ले ग्रुप, फिर प्राइमरी, फिर अपना जो है सेकेंडरी, और उसके बाद जो है अपना ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की चीज़ें हमने शुरू की हैं। और असल में ये है कि यहाँ पे हम बच्चों को एक नए सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया, और सिलेबस जो हमारा है वो आम सिलेबस से हट के है, और इसमें ये हमने कोशिश ये की है कि बच्चों को ना सिर्फ एजुकेशन दी जाए बल्कि उनको ग्रूम किया जाए, क्योंकि ग्रूमिंग और एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब ग्रूमिंग होती है तो अगर बंदा अगर ग्रूम ना हो, अगर वो पोस्ट डॉक्टोरल भी हो ना, तो तब भी मतलब है कि वो एक वाइल्ड ग्रोथ की तरह होता है। तो ग्रूमिंग के बाद ये होता है कि इंसान बच्चा जो है वो अपने आप को इस काबिल करता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अगले जो मरहल है वो ज़िंदगी के वो कामयाबी के साथ तय करता है। हमने इसमें इस चीज़ पर भी बड़ा ज़ोर दिया है कि जो बुनियादी जो यूनिट है हमारा, जो कि घर है जिसमें माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, और इसके बाद करीबी होते हैं, वो आजकल क्योंकि इतना वीक हो गया है तो हमारा उस चीज़ को, क्योंकि ये एक सिस्टम टूट रहा है, तो हमने यहाँ पे स्कूल में बच्चों को जो बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक जो मैनर्स हैं, हर किस्म की जो इखलाकी इकदार हैं उनको सिखलाने की कोशिश की है। और हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और हमारा स्कूल सिस्टम जो है ये बेस्ड ऑन मतलब कि सारा जो है ये कंप्यूटर रिलेटेड है। मुझे ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, एक साल हो गया इसमें, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं। और ये है कि विद द पैसेंजर हमने बड़ी अपना एग्जीबिशंस भी अटेंड किए हैं, और साथ साथ हमने बड़े इवेंट्स भी कराए हैं। और हमारा जो है इस वक्त 300 में इस वक्त ये काम चल रहा है। अभी सुबह के वक्त स्कूल होता है, और क्योंकि ये समर वकेशन का आगाज़ होने वाला है तो हमने समर कैंप लगा रहे हैं, जिसमें कि हम समर कैंप में अपना ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि लोगों के लिए जब बच्चे फारग होते हैं वो उससे करने के बाद बेहतर से बेहतर हो। मिसाल के स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज हैं, IELTS की क्लासें हैं, और उसके बाद इंग्लिश की क्लासें हैं, उसके बाद आर्ट एंड डिज़ाइन की क्लासें हैं। इसका हमारी कोशिश ये है कि जितने ऐसे कोई चीज़ें हैं जो कि नई हम इंट्रोड्यूस करा सकें। उसके बाद हमने इसी जगह पे हमने इवनिंग क्लासेस का भी आगाज़ किया, जिसमें हमने सीनियर क्लासेस का
उसको भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। और इसमें यह है कि हमने ए लेवल एंड ओ लेवल उसके जो मास्टर्स हैं, मिसाल को इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो वगैरह, इस तरह के सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स हो गया, इसी तरह एफए एफएससी के, और इसके बाद बीए बीएससी के जो मास्टर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एमए में भी ना जो हैं लोग हैं उनकी क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि एमए इंग्लिश है, जिसमें अपना लिटरेचर है, उसके बाद लिंग्विस्टिक है, उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन है, लाइक दैट। तो हमारा मकसद ये है कि अपने बिल्डिंग को मतलब ऑलमोस्ट डे और नाइट इस्तेमाल किया जाए और मैक्सिमम जो है अपना फ़रोग दिया जाए एजुकेशन को। बेसिकली जी हमारा किसी क्लास से तल्लक नहीं है, ना वेस्टेड इंटरेस्ट की क्लास से तल्लक है, ना अलीट क्लास से तल्लक है। हमारा ये है कि टू प्रमोट एजुकेशन इन ऑल द क्लासेस, इवन जो लोग गरीब हैं वो भी आ सकते हैं, और उनके लिए हमने स्पेशल कंसेशन की है और उनसे हम ऑर्डनरी ट्यूशन फ़ी वसूल कर रहे हैं, जबकि हमने एडमिशन फ़ी भी नहीं ले रहे उनसे, उसके बाद हमने दूसरी फीसिस जो हैं वो भी नहीं ले रहे, जो कि आम तौर पर होता है कि सिक्योरिटी फ़ीस हो गई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, हम नहीं ले रहे। तो हमारा एम जो है मुल्क में तलीम का फ़रोग है। हमारा तल्लक जैसे मैंने पहले कहा, ये मेरा पैशन है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। और जब पैशन हो तो पैशन में भी पैशन को आगे बढ़ाने के लिए ये अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्क में लोगों को ग्रूम किया जाए, और ग्रूम करने के बाद मुल्क में बेहतर लीडरशिप पैदा की जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में फुकदान है। हम जी कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर के बाहर भी हम इस पर स्टॉल लगाएं, और डिपेंड करता है कि हमारी कमिटमेंट्स जो हैं, क्योंकि लाहौर में भी हमारी कितनी कमिटमेंट्स हैं, तो नेचुरली इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है हम कराची में भी लगा रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिग्मा को पूरे मुल्क में प्रमोट किया जाए। और यह है कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम का होता है कि एक सिस्टम को शुरू करने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है ताकि मैच्योर हो सके। सो नहीं सके अल्लाह।